दोस्तों, जिस तरह भारत का इसरो जो हर दिन नए कीर्तिमान रच रहा है, सस्ते से सस्ता रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष के रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहा है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपको बता दूं कि इसरो ने दुनिया का सबसे सस्ता स्पेस मिशन मंगल पर भेजा था और पहली बार ही इसरो को कामयाबी मिली थी। इसरो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि इसरो सबसे सस्ता स्पेस मिशन तैयार करके भारत को दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों से कई आगे अंतरिक्ष में लेकर जा रहा है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार भारतीय रेल ने इसरो को पीछे छोड़ दिया है। जहां इसरो ने स्पेस यानी कि अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बना दिया है, तो वहीं भारतीय रेल ने इसरो को पीछे छोड़कर अब बना डाली एक ऐसी ट्रेन जो कि डीजल या पेट्रोल से नहीं बल्कि हवा से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है भारतीय रेल ने। तो ऐसे में अब वंदे भारत और बुलेट ट्रेन हुई पुरानी, क्योंकि अब देश में रेल की पटरियों पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइड्रो इंजन ट्रेन की। अगर आप भी सोच में पड़ गए हैं कि कौन सी ट्रेन है और आखिर ये हवा से चलेगी कैसे और इसमें क्या खास है, तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। दोस्तों, आजकल भारतीय रेल अपने गोल्डन एरा में है और एक के बाद एक हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। वंदे भारत ट्रेन पहले ही देश की शान बन चुकी है और बहुत ही जल्द बुलेट ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। लेकिन इन सब के बावजूद अभी एक और नई तरह की ट्रेन आपको देखने को मिलने वाली है, और ये ट्रेन आपके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन से किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा। और ये ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन, और इस ट्रेन के लिए आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और ये कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ट्रेन नहीं है, इसने इस टेक्नोलॉजी को धरती पर उतार दिया है और ये अभी ही आपको देखने को मिलेगी। ये ट्रेन किसी साल दिसंबर से देखने को मिल सकती है, और ये ट्रेन भारत सरकार की हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये ट्रेन पूरी तरह से आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगी और ये ट्रेवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक के आधार पर चलेगी। हमने जैसे कि आपको बताया कि ये डीजल और पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इन ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाएगी, जिससे ट्रेन आगे बढ़ेगी। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस ट्रेन में कन्वर्टेड कन्वर्शन इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जहां हाइड्रोजन सेल में दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के बीच केमिकल रिएक्शन करवाकर बिजली जनरेट की जाएगी, और यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन इस धरती पर सबसे अधिक पाए जाने वाला एलिमेंट में से एक है, और इसे समुद्र के जल से भी प्राप्त किया जा सकता है, और ये ऐसा सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए ये एनर्जी का एक बढ़िया साधन हो सकता है। और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि जहां फॉसिल फ्यूल जैसे डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में कार्बन एमिनेशन होता है, पोल्यूशन फैलता है, तो वहीं इसके इस्तेमाल से कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें कम शोर भी करती है, और साथ ही दूसरी ट्रेनों की तरह इसके डीजल से निकलने वाले धुएं से नुकसान भी नहीं होगा, और हवा में भी इसकी गंध नहीं फैलेगी। और इससे निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी उत्सर्जन नहीं करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को सेहत के लिए बहुत खतरनाक गैस माना जाता है। इन ट्रेनों के लिए अलग से कोई रखरखाव की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पुराने बने हुए स्टेशन पर ही आपको एक हाइड्रोजन फ्यूल टैंक का इंतजाम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सेल्स का वजन कम होता है, और जिससे ट्रेन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और इस तरह के सेल्स से इलेक्ट्रिसिटी निर्माण में केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही पानी और भाप ही उत्पन्न होती है, और ये पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की उल्टी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस प्रोसेस के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने से 30% तक बिजली का लॉस होता है, जो कि लगभग पेट्रोल और डीजल से होने वाली एनर्जी लॉस के बराबर ही है। ट्रेन को चलाने के लिए फ्यूल सेल से जनरेट होने वाली बिजली को मोटर में फीड किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन के और भी कई फायदे हैं, जैसे हाइड्रोजन को ऑन बोर्ड ट्रेन में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अलग से लाइन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण एरिया को मिलेगा, जहां तक वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की पहुंच नहीं है, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने की जरूरत है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी काफी पहले से चल रही थी, लेकिन अब बहुत ही जल्दी यह सपना सच होने वाला है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा कर दी है कि इस दिसंबर से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी जाएगी। इस ट्रेन में 4 कोर होंगे, और पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद और सेनापति के बीच शुरू की जाएगी। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे,
नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरन रेलवे, बिलिमोरा वघाई और मारवाड़ देवगढ़ मदारिया रूट पर भी इस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। इन ट्रेनों की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और इस रफ्तार से एक बार फ्यूल भरने के बाद 1000 किलोमीटर तक ये आसानी से चल सकती है। हालांकि भारत में शुरू की जा रही ट्रेन अभी फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस हाइड्रोजन ट्रेन की एक और खास बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है और देश के कपूरथला के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस ट्रेन के साथ अभी फिलहाल एक ही समस्या ये है और वो है इसकी कॉस्ट, जो कि अभी फिलहाल काफी ज्यादा है। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 452 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसी वजह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बेस्ट इंजन के संचालन की लागत डीजल इंजन के मुकाबले तकरीबन 27% ज्यादा पड़ेगी। लेकिन इन ट्रेनों के संचालन से देश के पर्यावरण को जो फायदा होगा उसे देखते हुए ये रकम काफी कम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा है कि वंदे भारत ट्रेनों की डेवलपमेंट के साथ लगभग 127 स्टेशनों को दोबारा से बनाया जाएगा ताकि इन ट्रेनों को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ग्रीन इंडिया ट्रेनों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने पर राजी है और ये रकम हाइड्रोजन ट्रेन संचालन को सफल बनाने में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों, भारत से पहले कई और देश भी हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन कर चुके हैं। जर्मन की सरकारी एजेंसियों ने देश में आज ट्रेन चलाए जाने के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी थी। इन योजनाओं पर अब तक 92 मिलियन खर्च किए जा चुके हैं। फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की है और 2 साल की टेस्टिंग के बाद इसे साल 2018 में इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा यूके में भी पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2019 में चलाई गई थी और जिसका नाम हाइड्रोप्लेक्स था और अब भारत का नाम भी इन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। भारत सरकार देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिन रात कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है और अब रेलवे भी इन योजनाओं में भागीदारी बन रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। अभी तक हमारे देश का रेलवे घाटे में ही चल रहा था, लेकिन अब भारत ने जैसे रेलवे की काया पलट कर दी है और अब विदेशी इकोनॉमी में बेहतरीन योगदान दे रहा है और अब देश को प्रदूषण मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।